सोलन में अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए। प्रेस वार्ता कर प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी और अमन सेठी ने कांग्रेस पर कई तीखे प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर की यह आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि अभिशाप यात्रा नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को मजबूत कर वर्तमान मुख्यमंत्री को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा खारे समुद्र की तरह है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन वो समुद्र की तरह किसी के काम नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री कोरोना से बचने का संदेश देते हैं, दूसरी और आशीर्वाद यात्रा निकालकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो भाजपा के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। भाजपा पर तंज कसते हुए कुशल जेठी और अमन सेठी ने कहा कि आज तक उन्होंने रथ पर चढ़कर किसी को आशीर्वाद लेते हुए नहीं देखा। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अनुराग ठाकुर रथ पर चढ़कर लोगों को आशीर्वाद देने आए थे या लेने आए थे। उन्होंने कहा कि परमाणु में जिन कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, वही कार्यकर्ता धर्मपुर में भी उपस्थित थे, वही सोलन और कंडा घाट में भी नजर आ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आम जनता भाजपा नेताओं से किनारा कर रही है। केवल पार्टी से लाभ प्राप्त करने वाले लोग ही नेताओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है, पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, बेरोजगार और किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। इन सब के बावजूद अनुराग ठाकुर लोगों से आशीर्वाद की उम्मीद रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से है, केंद्रीय मंत्री हिमाचल से है, लेकिन उसका रत्ती भर भी लाभ हिमाचल वासियों को नहीं मिला है। कि जो आपने नाम दिया इसका जन आशीर्वाद यात्रा, किस चीज का आशीर्वाद आप जनता से लेने के लिए आ रहे हैं? क्या जो आपने पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर किया उसके लिए आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? क्या आपने जो गैस का सिलेंडर 1000 तक पहुंचने वाला उसका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? जाइए, बेरोजगार युवा हमारे आज मर रहे हैं उसका आशीर्वाद लेने, जो किसान हमारे आज आत्महत्या कर रहे हैं उनसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। आज इस जन का, हिमाचल प्रदेश की जनता जो आज त्राई त्राई वाम कर रही है, आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, लेकिन ये जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन यात्रा निकाल रहे हैं। और कौन व्यक्ति ये रथ के ऊपर आकर आशीर्वाद लेता है? आशीर्वाद लेने के लिए तो दंडवत होकर जनता के पास जाना पड़ता है, ये तो सिर्फ पंप एंड शो किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को कल अनुराग जी ने कहा कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्थान दिया केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में, और हिमाचल प्रदेश से भी जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से, हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी। लेकिन हम किस बात के ऊपर इनके ऊपर गर्व करें? क्या इनका उस पद पर पहुँचना ही हमारे लिए गर्व की बात है, या उस पद का हिमाचल को कुछ लाभ भी मिलेगा? अगर कल माननीय अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश का कर्ज माफ़ करके आते, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आते, तो मैं भी उनका स्वागत करता कि हिमाचल प्रदेश के लिए राहत लेके आए, या हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ पैकेज लेके केंद्र सरकार के आते तो हम भी उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्पष्ट राजनीति करने के उद्देश्य से और अपने मुख्यमंत्री को कमज़ोर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और जब ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के दो इतने बड़े पद मिले, तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि हम बचपन में कहावत सुना करते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मुझे लगता है कि ये वैसे ही पेड़ के खजूर के जैसे हैं, ना तो इनसे फल मिल सकता है ना इनसे छाया मिल सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी उस खारे समुद्र की तरह है, जो पूरे विश्व में पानी तो उसमें सबसे ज़्यादा है लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो किसी उपयोग के लिए नहीं है, वो सिर्फ जो मैं कहता हूँ कि तप तपस्या बलिदान के नारे के साथ बनी पार्टी, आज ठग ठेकेदार और दलालों की पार्टी होगी है, वही आपको मिलेंगे। कल आप जन आशीर्वाद यात्रा में देख लो, परमाणु से लेकर शिमला तक वही 35 लोग थे जिन्होंने परमाणु में भी स्वागत किया, कुमारहट्टी में भी किया, धर्मपुर में किया, सोलन में भी किया, वही लोग थे। और ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से बेनिफिशरी लोग हैं। आम जनमानस इनकी बात को समझ चुका है, और कोई भी आम व्यक्ति आज इनकी जन आशीर्वाद यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो उसका सब बहिष्कार करते हैं, वो इनकी कथनी और करनी का अंतर समझ चुके हैं। कोई भी व्यक्ति आज इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, और इसका जवाब 2022 में हिमाचल की जनता देगी कि इनको जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी है या गधे के ऊपर बैठा के इनका जुलूस निकालना है। मंत्री जी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस के समय में डबल डिजिट में महंगाई थी। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार है पिछले 7 साल से, और आपकी सरकार में महंगाई ट्रिपल डिजिट में पहुँच गई है। महाराज, आप उसको डबल डिजिट में ही ला दीजिए, वही एक अच्छे दिन थे। आपकी सरकार में तो ट्रिपल डिजिट पे छू गई है, पेट्रोल 100 रुपये छू गया है,
सरसों का तेल ले लीजिए, वो 200 रुपये आ गया है। हर चीज़ में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज पिछले एक साल से हमारा किसान सड़कों पर आज उतरा हुआ है। आपके पास, आपकी सरकार के पास, आपके प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि हमारे अन्नदाता हमारे किसानों से जाके उनका दुख दर्द सुन ले। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।